नमस्कार, विंध भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर है सुहागी थाना क्षेत्र से, जहां महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल महिला को जहरीले कीड़े ने काटा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचाई गई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। एम्बुलेंस ना पहुंचने के कारण सड़क ना होने का बताया जा रहा है, जिसके चलते महिला को नहीं बचाया जा सका। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचा, जो समझाइश दे रहा था। आपको बता दें कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है। एक तरफ जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है, चार चार जो है जाने चली गई जो है, तो इस गांव में जो है हॉस्पिटल कोई नहीं पहुंच पाया लेकर के अपना मरीज। डिलीवरी मरीज मर गया, यहाँ सर्प काटने से मर गया, सबकी मृत्यु हो गई। यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। जब तक प्रशासन नहीं आएगा, हम यहाँ से मिट्टी नहीं हटाएंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक आकर के यहाँ का निरीक्षण नहीं किया जाता है। चाहे एक महीने मिट्टी रखी रह जाए, हम धरना देंगे। सड़क के अभाव से यहाँ जाने जा रही है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन आज तक यहाँ नहीं देख पाया कजानी कितने डिलीवरी कैसे महिले मर गई, कजानी कितना सर्प के काट रहे, कजानी कितना पेट के दर्द से। यहाँ प्रशासन नहीं आ रहा है। हम ये लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और चाहे एक महीने बीत जाए धरना देंगे एसडीएम कलेक्टर के यहाँ लाश लेकर। चाकगढ़ थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती को सर्प दंश से मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने पर वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में कुछ विलम्ब हुआ। मार्ग खराब होने के चलते ग्रामीणों ने विरोध किया। थाना प्रभारी ने और संबंधित अधिकारियों ने पहुंचकर उनको समझाइश दी, सब लोग मान गए। बाद में उसका बच्ची को पीएम के लिए भी लाया गया, और जो भी कंसर्न ठेकेदार हैं उनको भी बताया गया कि वहाँ पे शीघ्रता करें रोड निर्माण में। तो उन्होंने भी बताया कि बारिश के पश्चात को तो ये निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। सर, तांत्रिक के जरिए जो बच्ची को उसमें ये जानकारी प्रथम दृष्टया प्राप्त हो रही है कि उनके समाज में किसी की डेथ होने के पश्चात जो भी क्रियाएँ सम्पन्न वो लोग करते हैं परम्परागत रूप से, उसके तहत वो उनके द्वारा किया गया था। और उसमें जो भी वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि इसमें किसी प्रकार का ऐसा वो नहीं था कि सर्पदंश से बचाने का विषय हो, अपितु डेथ के पश्चात होने वाली जो उनकी परंपरागत क्रिया है उसके लिए वो कृत्य उनके द्वारा किया गया था।